तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कैंपिंग लेके आया हूँ जिसमें आपको बस 5 मिनट का काम करने के बदले 150 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। बस आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको पेटीएम मनी नाम की कैंपिंग का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना पेटीएम नंबर डालकर सबमिट कर देना है। पेटीएम नंबर सबमिट करते ही आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाओगे, वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना स्टॉक अकाउंट खोल लेना है। अगर आपको स्टॉक अकाउंट खोलना नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखो। ओपन में क्लिक करने के बाद फ्रेंड कैसे आप इस एप्लीकेशन में साइनअप कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे आपको जो अकाउंट बनाने का फीस है यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको लगने वाला नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो है, आपको 2-3 बार आपको एरो में क्लिक लॉगिन पेज आ चुका है। तो सिंपल आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू विद पेटीएम लॉगिन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पास पेटीएम एप्लीकेशन है और पेटीएम में अगर आपका अकाउंट है तो आप इससे साइनअप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं लॉगिन विद अनदर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास पेटीएम एप्लीकेशन है तो मैं यहाँ को कंटिन्यू विद पेटीएम लॉगिन में क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको देखते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पे ओपन माई अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको पैन कार्ड यहाँ को डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ को पैन कार्ड नंबर यहाँ को वेरीफाई हो चुका है तो सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक कर देने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपल आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको आपको पूछेगा कि आप केवाईसी कहाँ से करना चाहते हैं। आप डिजीलॉकर से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आपको मैनुअली भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको मैनुअली में यहाँ पर डिजीलॉकर में क्लिक करना है। डिजीलॉकर में क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पैन कार्ड, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स यहाँ को डाल देना। डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको प्रोसीड प्रोसीड में क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड मैं एक एक करके यहाँ पर सारा प्रोसेस क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ को पर्सनल डिटेल्स में डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एनुअल इनकम आपको पूछेगा, तो आप यहाँ पे आपको आप डाल सकते हैं यहाँ पे आपको बिलो 1 करोड़, उसके बाद आपको देख सकते हैं 1 से 10 लाख, उसके बाद 1 से 5 लाख, जो भी आपका इनकम है एनुअल इनकम सालाना इनकम जो भी है यहाँ पे आपको डाल देना। डालने बाद यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सारा डिटेल डाल दिया। डालने बाद सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। सबमिट में क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना रहेगा, आप यहाँ पे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक भी ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको आपका आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। डालने के बाद और दोस्तों अकाउंट वेरीफाई में क्लिक करते हैं, आपका जो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल आपका बैंक कौन सा है, सेविंग है, करंट है, जो है वहाँ पे डाल देना। डालने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, री अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप यहाँ पे डालना है। तो डालने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको वेरीफाई बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा डिटेल डाल दिया। डालने बाद वेरीफाई माई अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट बैंक अकाउंट यस ओके में क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने बाद फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको आ जाएगा और आपका बैंक अकाउंट सारा डिटेल्स, आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट। तो सिंपल आपको प्रोसीड में आपको क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्टेंट 1 रुपीज़ आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई के लिए 1 रुपीज़ का डिपोजिट हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं आपको वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो सिंपल आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टॉक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना और यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, देख सकते हैं आपको लोडिंग ले रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना और सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना और यहाँ पे देख सकते थोड़ा यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ के सारे यहाँ पे टिक करना है, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे भर देना है, जैसे कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद एक फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना है और आपको प्रूफ ऑफ इनकम आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको एक सेल्फी अपलोड करना है इस तरह से, और सेल्फी अपलोड करने के बाद प्रोसीड में क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ आपको फोटो भी अपलोड हो चुका है, आपको बैंक यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। सो फिर यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है, उसको अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया। डालने के बाद सेव में क्लिक कर देना। सेव में क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आपको हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखते हैं एक्सप्लोर स्टॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको जो आपका केवाईसी है आपको ई सिग्नेचर करना रहेगा। आपको हुई आर वेरीफाई डिटेल्स ऑन सक्सेसफुली वेरीफिकेशन नोटिफाई योर शेयर ई सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको ई सिग्नेचर आपको करना बाकी रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ को सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड अभी आपको थर्ड स्टेप आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे आपको यूजिंग आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आपका नेम आएगा, आपका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको कॉर्पोरेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे एड्रेस नहीं आता तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिलअप कर सकते हो। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स में क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों एक पैन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना और डिटेल्स यहाँ पे आपको भर लेना है, जैसे कि आपका फादर नेम, आपका एनुअल इनकम मेल है फीमेल है, सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करते हैं।
आपको डिजीलॉकर में यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड विद डिजीलॉकर, और यहाँ पे आप मैनुअली प्रूफ अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपको आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड विद डिजीलॉकर, यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं, आपको डिजीलॉकर का वेबसाइट में लेके जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेट आधार इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, आपका आधार नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, तो सिंपल से यहाँ पे ओटीपी भेज देता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं और कंटिन्यू में क्लिक करता हूं। ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी अलाउमेंट है अलाउ दे देना है, यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों केवाईसी प्रोसीड सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका केवाईसी है यहाँ पे पेंडिंग में है, आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको 150 रुपीज़ का कैशबैक अपने पेटीएम वॉलेट में 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। और ऐसी और भी कैंपेन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सबको पूरा करो और 900 रुपीज़ तक अर्न कर लो। चलो बाय।